आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा एक क्वेश्चन पेंडिंग है, तो मैं आपको देकर गया था इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई कैप। ये बनाया नहीं था ना, एक क्वेश्चन देकर गया था मैं आपको, ये अभी हमने सॉल्व नहीं किया, आपके लिए होमवर्क था। तो जो लोग अभी इसे करके आए वो तो मिला ले, जो लोग नहीं करके आए वो देखे। बच्चों इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, आई कैप है ना, ये डायरेक्शन है। एरो आपको इधर ही लगाने हैं, ऊपर नहीं लगाने एरो, यहां जे कैप नहीं है। दूसरी बात, जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए एक्स के साथ, ऊपर जाने पर नहीं, इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से बन सकता है ये, इस तरह से, जैसे मान लो यहां से दो लाइन आई, फिर कुछ ने और ज्वाइन कर लिया, यहां पर चार हो गई, थोड़ा आगे गए तो लाइन और बढ़ गई, फिर थोड़ा आगे गए इस तरह से। तो आप देख सकते हैं जितने भी एरो बनाए हैं मैंने सब एक्स डायरेक्शन में है, आई कैप तिरछा नहीं है। कुछ बच्चे इसे ऐसे बना देते हैं डेंसिटी बढ़ाने के लिए, ये बिल्कुल सही है कि आगे जाने पर डेंसिटी लाइंस की बढ़ रही है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन बेटा आपने डायरेक्शन तो चेंज कर दी ना। यहां जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो एक्स डायरेक्शन में नहीं होगा, उसका एक कंपोनेंट नीचे भी आएगा। और बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर ही शो कर रहा है। अगर आप इसमें कोई क्लोज पाथ लेंगे तो आप देखेंगे जिस रेट से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है उसी तरह इधर इंक्रीज हो रहा है। ये वर्क डन पॉजिटिव आएगा और ये वर्क डन नेगेटिव आएगा, तो टोटल वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल भी है और मैंने बनाकर भी दिखा दिया। अब सिर्फ एक ही बात आती है कि सर इसका सोर्स कैसे होगा। तो बेटा ऐसे बहुत सारे सोर्स होते हैं जिनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होता है, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बन सकता है, आ सकता है। तो हम गॉस में कुछ कुछ डिस्कस करेंगे इन चीजों को, आज वही लेक्चर है। तो उस क्वेश्चन का ये आंसर है, आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हेडिंग लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बस यहीं से आप ये मान लीजिए गॉस स्टार्ट हो रहा है कुछ कुछ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया। हालांकि ये सेंटेंस मैं गलत मानता हूं, मैंने बोल तो दिया, बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो काउंटेबल नहीं है। ये आप यूं बोलोगे, मैंने अभी अभी डायग्राम बनाया, वहां से दो लाइन जा रही थी तो दो फ्लक्स है, फिर चार हो गई तो चार फ्लक्स है, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई नंबर नहीं होता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्वांटिटी होती है और उसकी यूनिट भी होती है भाई, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। तो फिर एक नंबर थोड़ी ना हुआ है, फिर हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया। हमें यह बोलना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस।
अब समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं, प्रोपोर्शनल वर्ड बोलना चाहिए, इक्वल नहीं बोलना चाहिए, उससे कंफ्यूजन होता है। इसका मतलब तो ये हो गया कि आगे हम गॉस पढ़ेंगे, गॉस में होता है किसी भी चार्ज से बाहर निकलने वाली जो लाइंस होती है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। अगर आप क्यू की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से छोटी हुई तो ये तो नंबर ऑफ लाइंस एक से कम आ जाएंगी। नंबर ऑफ लाइंस गॉस बोलते हैं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होती है जो किसी चार्ज से बाहर निकलती है। अब अगर चार्ज की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से कम हुई तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लेस देन वन आएगा। अब ये कैसे पॉसिबल है कि नंबर ऑफ लाइंस एक से भी कम हो जाए? तो इससे पता लगता है कि फ्लक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन, इट इज प्रोपोर्शनल टू। और हमें लिखना इस तरह से चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट्स नॉट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया। मोर इज नंबर ऑफ लाइंस, मोर विल बी फ्लक्स। खत्म, यही लाइन लिखो। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया, पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया, फुल स्टॉप। मोर इज नंबर ऑफ लाइंस, मोर विल बी फ्लक्स। फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, वी शुड से इट इज प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स। एग्जैक्ट इसकी वैल्यू होती है बी डॉट ए, सॉरी ई डॉट ए, और ई इंटू ए कॉस थीटा। इसकी एसआई यूनिट वोल्ट इंटू मीटर होती है, और डायमेंशन अगर आप निकालेंगे तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन हमने शायद पहले निकाली थी उस दिन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एफ अपॉन क्यू होता है, हमने निकाली थी एम वन एल वन टी माइनस थ्री ए माइनस वन। मैं करेक्ट बोला? इसको आप एल वन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा M1 L2 T टी माइनस थ्री ए माइनस वन, करेक्ट? देखिए ऐसे बच्चों, हमें फोकस करना है एरिया वेक्टर पर। एरिया वेक्टर जो होता है उसकी डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। जैसे ये बोर्ड है, इस ये बोर्ड का जो एरिया है उसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी प्लेन के। इसलिए मान लीजिए इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ये मेरा हाथ है, मैंने इसको इलेक्ट्रिक लाइंस के परपेंडिकुलर रखा। भाई डेली लैंग्वेज में, हम डेली लाइफ में तो इसको यही बोलेंगे ना, ये परपेंडिकुलर है। बट रिमेंबर, जब प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर ऑलरेडी परपेंडिकुलर होता है। तो बस हम लोग है ना, यहां पर नॉलेज की बात नहीं है, नॉलेज तो मैं आपको अभी दे दूंगा, आगे अगर हम इस चीज में गलती करते हैं तो वो हमारा इग्नोरेंस होगा। तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन प्लेन इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड मींस एरिया वेक्टर इज, तो उस कंडीशन में फ्लक्स मैक्सिमम आएगा क्योंकि थीटा जीरो होगा, कॉस जीरो वन होता है। और बच्चों इसको फार्मूले से कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, दूसरे से कंपेयर करो। इलेक्ट्रिक लाइंस इधर जा रही है, मैंने अपने हाथ को ऐसे रखा, अब आप देखिए लाइंस इससे पास नहीं हुई बल्कि इसके पैरेलल निकल गई, पेनिट्रेट नहीं की, इसलिए फ्लक्स जीरो है। और अगर फार्मूले से देखेंगे तो एरिया वेक्टर ऊपर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो होता है तो फ्लक्स जीरो हो गया। तो बच्चों वैसे ही पता लग रहा है ना यार, मैं हाथ को, आप तो इधर लाइन लेकर जाओ और अगर हाथ को ऐसे रखोगे
तो लाइन इसे पेनेट्रेट नहीं करेगी, लेकिन ऐसे रखोगे तो मैक्सिमम लाइंस पास होंगी और पेनेट्रेट करेंगी, दैट्स इट। हाँ, बीच में कोई एंगल बन रहा हो तो फिर इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इतना सा हम लिख लें, एरिया वेक्टर क्या होता है, देखो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब दोनों केसेस बना लो। नंबर वन, जैसे ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक लाइंस है, मैंने किसी लूप को इस तरह से रखा, ये इलेक्ट्रिक लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो इसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा, थीटा 0 डिग्री होगा और फ्लक्स मैक्सिमम होगा ई इंटू ए। सेकेंड केस, लाइंस इधर जा रही हैं, मैंने कॉइल को या लूप को ऐसे रखा, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, थीटा 90 हो गया और फ्लक्स 0 हो गया। बस ये दोनों केसेस बना लीजिए और आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। बच्चों, अगर एक ओपन सरफेस है इस तरह से, तो हम इसमें कभी ये नहीं बता पाएंगे कि ए इधर है या इधर है। मतलब मैंने जो ये डायग्राम बनाया उसमें आप ये क्वेश्चन मुझसे कर सकते थे कि सर आपने एरिया वेक्टर इधर क्यों लिया, इधर क्यों नहीं लिया, क्योंकि नहीं पता लगता। अगर प्लेन सरफेस है रेक्टेंगल टाइप, तो आप कैसे बता सकते हैं। तो इसमें फ्लक्स ई इंटू ए और माइनस ई इंटू ए कुछ भी हो सकता है और उसका कोई इंपोर्टेंस भी नहीं है। लेकिन जब एक क्लोज सरफेस हमारे पास होगा, जैसे कोई क्यूब मान लीजिए, तो क्यूब में क्या होगा, क्लोज सरफेस में हमें एक कन्वेंशन बनाना पड़ेगा कि हम बाहर वाले को पॉजिटिव मानेंगे और अंदर वाले को नेगेटिव। तो वहां प्लस और माइनस का इंपोर्टेंस होगा। जैसे अगर एक क्लोज सरफेस को, जैसे मैं एक क्यूब बना रहा हूं, इस क्यूब को मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे, तो आप देखिए इस क्यूब में 6 सरफेस हैं, उनमें से आपको 4 के लिए तो थीटा 90 ही मिलेगा, तो उससे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, टेंशन खत्म करो। कौन कौन सा, ऊपर वाला, वैसे ही देख लेना, अगर लाइन पैरेलल है सरफेस के तो काम ही खत्म ना, फ्लक्स 0, ऊपर वाला, नीचे वाला, आगे वाला, पीछे वाला, इन 4 फेसेस के लिए तो थीटा 90 है, लेकिन इधर वाला सरफेस लेफ्ट और राइट वाला सरफेस के लिए थीटा 0 है या 180 है। तो कन्वेंशनली हम क्या करते हैं, ये क्लोज सरफेस है तो बाहर वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसलिए ये फ्लक्स आएगा माइनस ई ए, और इसका एरिया वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है, तो इसका फ्लक्स आएगा प्लस ई ए और टोटल फ्लक्स। इसीलिए हम बोलते हैं, आपने जरूर सुना और पढ़ा होगा, अगर एक क्लोज्ड सरफेस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स
उसका रीजन यही है बेटा, आधा फ्लक्स पक्का नेगेटिव आएगा और आधा पक्का पॉजिटिव आएगा। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है। फिर वो सरफेस कर्व ही क्यों ना हो, अगर मान लो हम एक स्फीयर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, मैं आपको इसकी कैलकुलेशन भी बता दूंगा पर अभी तो मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूं। तो बच्चों क्लियर दिख रहा है, अगर ये क्लोज सरफेस है तो ये वाला पॉजिटिव एरिया होगा, आई मीन पॉजिटिव फ्लक्स होगा, क्योंकि इसके हर पार्ट पर अगर आप है ना यहां भी लोगे तो एरिया वेक्टर इधर आएगा, लेकिन और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो भी ये एंगल एक्यूट बनेगा। एक्यूट एंगल का मतलब 90 से कम, और 90 से कम का मतलब पॉजिटिव आना है। तो आप गौर से देखो, इस पूरे पोर्शन में एक्यूट एंगल है और यहां पर हर जगह ऑब्ट्यूस। दिखाऊं, जैसे सेंटर ये है ना, तो सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ये होगी, इसका एरिया वेक्टर ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये एंगल ऑब्ट्यूस हो गया। तो इधर वाला पूरा फ्लक्स नेगेटिव आएगा, और सिमेट्री बता रही है जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा, तो टोटल फ्लक्स। और बच्चों दूसरी बात, फ्लक्स नंबर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है यार, कंफर्म है ना, जो लाइन अंदर गई है वो बाहर भी जरूर आएगी। तो हम एक और कन्वेंशन बना लेते हैं ना कि आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव ले लेते हैं, अरे अभी भी पॉजिटिव ही आ रहा है इन दोनों में, और अंदर जाने वाले फ्लक्स को फिर एक सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, भैया ऐसी कोई लाइन है जो अंदर तो गई हो लेकिन बाहर नहीं आई हो, तो हम बोलेंगे नहीं यार, कोई हर लाइन जो अंदर जा रही है वो बाहर, तो यानी कि जितना इनकमिंग फ्लक्स है उतना आउटगोइंग फ्लक्स है, तो टोटल। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता, मैंने जो यहां बनाया था ना 1+x² / a² वाला, उसमें इस डब्बे को उठाकर रख दूं तो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि कुछ लाइन तो बीच में से प्रोड्यूस हो रही थी उसमें, तो अंदर तो कम जाती बाहर ज्यादा आती, तो उसका नेट फ्लक्स जीरो नहीं होता। इसलिए अगर एक क्लोज्ड सरफेस को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उससे पास होने वाला फ्लक्स नॉन जीरो हो सकता है। अभी भी हम ये नहीं बोलेंगे ये नॉन जीरो होता है, क्योंकि कुछ ऐसे फील्ड हो सकते हैं जहां पर टोटल फ्लक्स जीरो भी आ सकता है, करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट आप लिख ले बस, बाकी तो दिमाग काम करेगा आपका जब इसको पढ़ेंगे। ऐसी एक नोट बना ले, इफ ए क्लोज्ड सरफेस इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ ए क्लोज्ड सरफेस इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इज जीरो, टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इज जीरो। बट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, देन टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस मे नॉट बी जीरो, बट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म देन टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस मे नॉट बी जीरो। और ये डायग्राम बनाना चाहे आप अपनी समझ के लिए बना लें, दिस फ्लक्स इज नेगेटिव बिकॉज एंगल इज ऑब्ट्यूस एंड दिस इज पॉजिटिव बिकॉज एंगल इज एक्यूट, और डब्बे में तो वैसे ही साफ दिख रहा है।
मैं आपको एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप वही एग्जांपल ले लो जो मैं लास्ट लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन आपको देकर गया था। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई कैप, एक क्यूब रखा है यहां से यहां तक, एक्स इज इक्वल टू ए से शुरू होता है ये क्यूब और एक्स इज इक्वल टू 2a तक है, यानी कि इसकी साइड भी a है, और मैंने 3D नहीं बनाया 2D बनाया है, यानी कि क्यूब की एक डायमेंशन अंदर है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, तो इससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स फटाफट निकाल दो। बहुत ज्यादा टाइम तो इस क्वेश्चन में लगना ही नहीं चाहिए, इसलिए मैंने फटाफट वर्ड बोला, मैं फटाफट बोलता नहीं हूं अक्सर। देखो, हम आपको पहले ही बोल चुके हैं इलेक्ट्रिक लाइंस यहां से तो अंदर जाएंगी और यहां से बाहर आएंगी, बाहर आने वाली लाइंस थोड़ी ज्यादा होंगी क्योंकि आगे जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, और बाकी चार सरफेस से जीरो, तो उनको तो कैलकुलेशन में लेना ही नहीं। तो बेटा फाई इन कितना होगा, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितना है, एक्स इज इक्वल टू ए इसमें पुट करेंगे तो 2E0 आएगा, करेक्ट, और एरिया ए स्क्वायर है, और फाई आउट निकालेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 2A पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना पड़ेगा, तो 4+1 5E0 आएगा और एरिया ए स्क्वायर है। बेटा टोटल फ्लक्स हमने बताया ना आउट माइनस इन, तो 3E0, इतना सही क्वेश्चन था इसलिए फटाफट बनना चाहिए था। जो अभी अभी मैंने एक स्टेटमेंट बोला था कि यार अगर किसी क्लोज सरफेस को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि फ्लक्स जीरो नहीं होगा, हमें बोलना चाहिए मे नॉट बी जीरो, इट विल नॉट बी जीरो, ये नहीं बोलना चाहिए। क्यों, कोई ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जीरो है? तो भी जीरो नहीं होगा, वाई में अगर इंक्रीज करा दे तो इन दोनों से नेट जीरो नहीं आता। तो मुझे तो टोटल सरफेस से चाहिए ना बाबा, ये थोड़ी ना पूरा, मैं क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स बोलो, और कोई एग्जांपल आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए, यही तो है बेटा सोच सब्जेक्ट की। अगर हम इस तरह नहीं सोच पाते तो फिर तो हमने इसको मैथमेटिक्स ही बना दिया, फार्मूले में वैल्यू पुट करना आता है। ऑब्जेक्ट क्लोज सरफेस लेना है मुझे, सरफेस तो आपको चलो मैं बाउंड कर देता हूं, क्यूब भी लेना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो कैसा होगा जो नॉन यूनिफॉर्म भी हो लेकिन फ्लक्स जीरो आए, हाँ ये सही कह रहा है, इसने बहुत अच्छा बोला। इस क्यूब की अगर हम पोजीशन को चेंज कर दें, देखो ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, और हम क्यूब को ऐसे प्लेस कर दें, क्योंकि मैंने आपको स्क्वायर दिया है, नहीं आप भी गड़बड़ हो जाएगी, जीरो नहीं आएगा क्योंकि मैंने स्क्वायर दिया है ना, तो नेगेटिव साइड लेने पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आएगा,
और मैग्नीट्यूड सेम आएगा तो ऐड हो जाएगा. अगर वो स्क्वायर की जगह वन पावर होता या थ्री पावर होता, ऑड पावर होता, तो वो माइनस रहता. वैसे बहुत सिंपल एग्जांपल है, आप लोगों का ध्यान नहीं जा रहा क्योंकि आप एक इमेज में बाउंड हो जाते हो. मेरा बच्चा एक पॉइंट चार्ज लो, मुझे बताओ इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ये यूनिफॉर्म है क्या? पहले मुझे बताओ क्या इसको यूनिफॉर्म बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म? अरे इसके बाजू में डब्बा रख दो. अब आप मुझे ये बताओ, कैलकुलेट नहीं कर पाओगे लेकिन इतना तो बोल सकते हैं यार इसमें जितनी लाइनें अंदर जाएंगी और बना लो पास पास. अगर आपको लग रहा है कि मैंने कम बनाई है, लो खूब पास पास लाइंस बना लो. अब मुझे आप देखकर बताओ ऐसी कोई लाइन है जो अंदर गई हो और बाहर नहीं आई हो? बोलो, ढूंढ रहे हो क्या? नहीं है. क्या है? नहीं है. इसका मतलब यह हुआ कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, फिर भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स इसमें जीरो है. तो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस असर्शन रीजन बहुत अच्छे बनते हैं. वहां पर आपसे पूछ सकता है इस तरह के, अगर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज सरफेस को रखते हैं तो 100% टोटल फ्लक्स जीरो आएगा, लेकिन अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज सरफेस को रखते हैं तो फ्लक्स जीरो हो भी सकता है और नहीं भी. ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा है. ठीक है मेरा बच्चे, मैं यही तो कहता हूं कि फिजिक्स को सिर्फ फॉर्मूले बनाकर मत पढ़ो, दिमाग खोलो, सिचुएशंस को याद करो कहां पर कैसे हो सकता है. अब आप बस वो एक ही इमेज में बाउंड हो गया, बार बार उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को के बारे में सोच रहे थे और सरफेस को चेंज कर रहे थे, जबकि मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचिए कोई और हो सकता है क्या, आ जाएगा दिमाग में. खैर धीरे धीरे. अब बच्चों एक और बात इससे बाहर निकले, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. प्लीज छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए और मुझे उम्मीद है आंसर दे दोगे. और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हेमी स्फेरिकल बाउल रखा है. ये एक हेमी स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, आधा गोला जिसका रेडियस आर है, और मैंने ऐसे रख दिया कटोरे को. आप समझ रहे हैं ना, होलो स्फीयर है ये, कटोरा मानो ना आप, तो उसको ऐसे रख दिया. तो इस कर्व सरफेस से केवल आउटगोइंग फ्लक्स है, मुझे सिर्फ कर्व सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स चाहिए. इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और रेडियस आर है. तो वैसे तो हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कारण ये इसका सेंटर है. बच्चों जो एरिया वेक्टर होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है. हर पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल डिफरेंट है. तो आप ई ए कॉस थीटा को ऐड करोगे, यानी कि इंटीग्रेट करना पड़ेगा. मुश्किल काम है, नहीं करेंगे. इजी मेथड है वो, अपना एप्टीट्यूड है. हमें पता है कि हमसे इससे पास होने वाला फ्लक्स पूछा और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो हमें यह तो पता ही है ना. इस डायग्राम को देखकर साफ लग रहा है जो लाइन इसके अंदर जाएगी वही लाइन इससे बाहर आएगी. करेक्ट? yes, तो क्यों ना हमें नंबर ही तो निकालना है ना, कितनी लाइंस गई. तो इससे पास होने वाली लाइन्स को कैलकुलेट करना आसान है क्योंकि ये सरफेस फ्लैट सरफेस है और फ्लैट सरफेस का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं होती. तो बेटा इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई. तो पाई आर स्क्वायर ई लाइंस इससे अंदर जाएंगी और ये कंफर्म है जो इससे अंदर जाएंगी वही इससे. तो बच्चों बिना इंटीग्रेशन के हम ऐसे निकाल सकते हैं. अब बात आती है कि अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं सरफेस को, ये देखो मैंने बड़ा अजीब सा ये कुछ एंसियंट ऑब्जेक्ट ले लिया जिसमें मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है इस सर्कल का रेडियस आर है और फ्लक्स मैं इससे पूछ रहा हूं, इससे नहीं. फ्लक्स मुझे इस अनइवन सरफेस से पास होने वाला चाहिए, तो आंसर फिर सेम आएगा.
पाई आर स्क्वायर ई, बताओ क्यों? देखो ऐसा नहीं है, लाइंस तो यहां से भी जा रही है, पर ये लाइंस वो है जो अंदर जाकर बाहर भी आ रही है। अरे तो इन लाइंस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप देखो इस सर्किल से के अलग मैं ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, एक तो बिल्कुल इस सर्किल के सामने जो एरिया है और एक इसके सर्किल के ऊपर और नीचे। आप देखो इस पार्ट के ऊपर जो भी एरिया है उसमें हर एक लाइन अंदर जाकर बाहर आ रही है, नहीं समझे? तो ये पूरा फ्लक्स जीरो हो गया। सिमिलरली इसके नीचे जितनी भी सरफेस है वो सरफेस में फ्लक्स अंदर जा रहा है, तो यानी कि इसके नीचे भी फ्लक्स जीरो है। तो बचा कहां? ये ओपन सरफेस है तो फ्लक्स मेन तो यहीं से जा रहा है ना, इसलिए ये फ्लक्स इसके बराबर आएगा, तो पाई आर स्क्वायर ई फ्लक्स आएगा। ये ओपन सरफेस है, ये क्या है? ओपन सरफेस। और ये पूरा इधर से इसका क्लाउड सरफेस है। मैंने ये कहा कि मुझे इसको इंटीग्रेट करके भी मैं निकाल तो सकता ही नहीं, कोई फंक्शन थोड़ी ना पता है सरफेस का, लेकिन मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। यहां से ये लाइन अंदर गई, ये लाइन यहां से, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो। इस तरह से इतने पार्ट से ये देखो जितनी लाइंस अंदर जा रही है 1 2 3, ये 1 2 3 लाइंस बाहर आ रही हैं। तो बच्चों ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाया है इसके ऊपर जो भी सरफेस है उससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स जीरो है। सिमिलरली मैंने यहां जो डॉटेड लाइन बनाई है इसके नीचे वाला ये जो सरफेस है इसमें भी आप एक ऐसी लाइन बनाकर दिखा दीजिए जो अंदर तो जा रही है लेकिन बाहर नहीं आ रही, या बाहर तो आ रही है लेकिन अंदर नहीं जा रही है ही नहीं। इसका मतलब इस डॉटेड लाइन के नीचे जो सरफेस है उसका भी कंट्रीब्यूशन जीरो है। अब बचा क्या? सिर्फ इस सर्कल के सामने जो सरफेस है इससे ही फ्लक्स जाएगा, और ये कंफर्म है इससे बाहर वही लाइन आएगी जो इससे अंदर जाएंगी, इसलिए हम सिर्फ ये लाइन निकाल लेते हैं पाई आर स्क्वायर ई। ठीक है बेटा, अब लिखिए गॉस लॉ। इसका आंसर होगा पाई आर स्क्वायर ई, इसका भी आंसर होगा पाई आर स्क्वायर ई।
जैसे मान लीजिए ये एक हेमी स्फेरिकल बाउल है, अच्छा नहीं बना, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इससे पास होने वाला फ्लक्स कैसे निकालेंगे? और ये हमें मैसेज दे रखा है कि ये जो एंगल है ये 37 डिग्री है, छोड़ो थीटा है, बहुत इजी है भाई। ये तो अभी भी श्योर है कि आप देखो यहां से जो लाइन ऐसे जाएगी, जो इससे पास नहीं हुई, सुन रहे हैं आप, जो लाइन इससे पास नहीं, क्योंकि ओपन ये है, वो लाइन ऐसे जाएगी तो इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों होगी, लेकिन जो लाइन इससे जाएगी वो सिर्फ आउटगोइंग होगी क्योंकि इनकमिंग नहीं है। यहां पर अगर ढक्कन लगा दो तो टोटल फ्लक्स जीरो आ जाएगा क्योंकि क्लोज सरफेस बन गया, लेकिन यहां पर ढक्कन नहीं है इसलिए ये लाइन अंदर नहीं गई, सिर्फ बाहर आई। तो मुझे अल्टीमेट निकालना तो वही है ना, जो लाइन अंदर गई, ई ए कॉस थीटा निकालो, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा ना या इधर होगा, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है, तो ई ए कॉस थीटा आ गया। हाँ, वो को इसमें भी आ जाएगा ना, अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को तिरछा कर दोगे तो यहां भी आ जाएगा क्योंकि यूनिफॉर्म है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा क्वेश्चन में ज्यादा चेंज करने की कोशिश मत किया करो, यहां दिमाग मत लगाया करो आप, क्योंकि खूब क्वेश्चन हैं बने हुए, हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश खाता करें तो अच्छा है, वरना क्या हमारा एक अलग सोच बन जाती है कि क्वेश्चन में चेंज ज्यादा करें, फिर हम परेशान भी रहते हैं। ये बात समझ में आई आपको? और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बिल्कुल ऐसे कर देता 90 डिग्री पर तो जीरो आता, क्योंकि फिर तो जितना लाइन अंदर जाती वो ऊपर से बाहर जरूर आती, खत्म बात, फिर जीरो हो जाता। तो इसमें कर्व सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स है ये कॉस थीटा। चलो बेटा लिखो, गॉस लॉ।